नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं ज्योतिष स्पेशल कार्यक्रम। आज हम अंक शास्त्र के मुताबिक नंबर 4 मूलांक की बात करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध अंक शास्त्री संगीता शुक्ला जी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंशुमन। हम लोग लगातार एक एक अंकों की गुत्थियां सुलझा रहे हैं संगीता जी के साथ बैठ के, और हमारे दर्शकों को यह सीरीज बहुत पसंद भी आ रही है। अभी तक हम 1, 2 और 3 मूलांक की बात कर चुके हैं, आज बारी है मूलांक 4 की। तो संगीता जी बताएं, मूलांक 4 की खासियतें क्या होती हैं और उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनके प्रिय कलर, उनके मित्र नंबर, शत्रु नंबर क्या होते हैं? देखिए, नंबर 4 मतलब अब सभी को पता है कि 4, 13, 22 और 31 इन तारीखों को जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले तो उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 4 नंबर राहु का होता है, इसका जो स्वामी ग्रह है वो राहु है। और राहु कहा जाता है कि थोड़ा लोग डरते भी है राहु से, कि डरना भी चाहिए क्योंकि राहु की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है, रौबदार और दबंग पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना। और अगर मैं आपको नाम बताऊं कि राहु जिनका जन्मदिन है, अगर मैं उनका नाम बताऊंगी तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे रौबदार और कितना दमदार पर्सनालिटी होती है। अच्छा। एक तो हमारे अमित शाह जी। अच्छा, और गृह मंत्री महोदय। हाँ बिल्कुल, उनका 22 तारीख को जन्मदिन है, क्योंकि एक कैटेगरी में जो है 22 नंबर आता है, क्योंकि वो दो चंद्र के मेल से बनता है। अच्छा। इसलिए एक कैटेगरी जो है वो 22 नंबर है। तो 22 जो है वो हमारे अमित शाह जी है, और दूसरा है अमरीश पुरी। अच्छा, तो अमरीश पुरी का जन्मदिन हाँ 22 जून को है। तो अब मेरे ख्याल से लोग समझ गए होंगे कि कितना रौबदार और कैसी दबंग पर्सनालिटी होती है 22 नंबर वालों की, क्योंकि इन दो, ये दो विश्व प्रसिद्ध है और इनकी पता है सभी को कैसी है पर्सनालिटी। तो 22 ए कैटेगरी में आते हैं 22 नंबर, बी कैटेगरी में आता है नंबर 31, क्योंकि पहले देवगुरु है और फिर सूर्य है। सूर्य। तो देवगुरु और सूर्य के मेल से बनता है राहु, इसलिए ये आता है बी कैटेगरी में। तो बी कैटेगरी में है प्रीति जिंटा और अमृता अरोरा। अब इनकी भी पर्सनालिटी थोड़ी बहुत तो है ही दबंग जैसी, प्रीति जिंटा को भी सभी जानते ही हैं। फिर सी कैटेगरी में आता है नंबर 4 अकेला राहु। अच्छा। हाँ, और उसके अंदर है श्वेता तिवारी और सोहा अली खान। तो श्वेता तिवारी भी सब जानते हैं कि ये भी अपनी दबंग पर्सनालिटी के लिए थोड़ी प्रसिद्ध हैं, और सोहा अली खान भी। अब इसमें एक डी कैटेगरी भी है। आज तक हम नंबर 3 तक देखते आए थे कि ए बी और सी कैटेगरी होती थी, लेकिन 4 के अंदर डी कैटेगरी भी है, और डी कैटेगरी में आता है 13 नंबर। अच्छा। 13 नंबर जो है, क्योंकि वो सूर्य और देवगुरु 31 है, वो पहले देवगुरु आता है और फिर सूर्य होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि पहले देवगुरु और फिर पहले सूर्य और फिर देवगुरु है 13 नंबर में। लेकिन 13 नंबर को जो है वैसे भी लोग अशुभ मानते हैं, आपने देखा होगा कि 13 नंबर का 13 का आंकड़ा बोलते हैं, या 4 और 13। आजकल तो बिल्डर्स भी क्या करते हैं कि अपनी जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें 4 और 13 नंबर का जो फ्लोर है उसको वो लोग स्किप कर देते हैं। बनाना तो पड़ेगा ही उनको, अगर 16 माल का बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें 4 और 13वां माला तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि 3 नंबर के माले के बाद सीधा 5वां नंबर का माला बोलते हैं। होता वो 4 नंबर का है, लेकिन उसका नंबर देते हैं 5वां नंबर। जी, कई बार मैंने देखा है कि 3 के बाद 3A कर देते हैं या 12A कर देते हैं उस नंबर का। हाँ, उसको कुछ ना कुछ वो लोग उसके करते, क्योंकि कोई भी लोग देखो अशुभ घर में तो नहीं रहना चाहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये लोग बिल्डर्स थोड़ी बेईमानी करके उसको नंबर, नाम उसका चेंज कर देते हैं कि भाई ये 4 नंबर का माला नहीं है, ये 3 के बाद सीधा 5 नंबर का माला है, और ये जो है 12 के बाद सीधा 14वें नंबर का माला ले लेते हैं।
और इवन होटल्स में भी क्या होता है कि होटल्स में भी आपने देखा होगा, अगर आप कोई टेबल बुक करवाते हैं तो उसमें भी 4 और 13 नंबर का टेबल नहीं होता है। अच्छा तो हाँ, होटल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि बुकिंग में वो लोग 4 और 13 नंबर का उसको करते ही नहीं है, वो हटा ही देते उस नंबर। तो जी ऐसे कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें ये 13 नंबर को भी अशुभ माना जाता है। और लेकिन अब जिनका है जन्मदिन 13 को, वो क्या कर सकता है, वो उसको जी बदल तो सकता नहीं है, तो जंग का नहीं बदलाव बदल संभव ही नहीं सकते। है। हाँ, लेकिन जो है कुछ उपायों से हम उसके अंदर जो है पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कुछ उपायों से उनकी जो बाधाएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो जो जी है भगवान ने जो दिया है वो तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, लेकिन उसको हम कैसे सुधारें, तो यही न्यूमरोलॉजी में है कि हम सरल उपायों से उनको सुधार सकते हैं। जी तो अभी आपने देखा कि 4 और 13 नंबर का क्या था। फिर राहु से लोग थोड़ा डरते भी है, वो तो हमने पहले भी बताया कि क्यों डरते हैं, क्योंकि जी असल में ऐसा राहु नहीं। से डरने की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठ के धोखे से अमृत पी लिया था और अमर हो गया था। भगवान विष्णु ने चक्र से राहु का सिर काट दिया था, इसलिए राहु का सिर्फ सिर माना जाता है, लेकिन वो खाली अमर है है। धड़ से ऊपर का भाग राहु का माना जाता है, और धड़ से नीचे का जो है, ये पूरा धड़ जो है केतु वो माना केतु जाता का माना जाता है। है। जी तो कहते हैं जब तक राहु और केतु का मिलन नहीं होता है, तब तक वो इंसान खुश नहीं हो पाता है। जी तो हाँ, और राहु से लोग इसलिए भी डरते हैं कि तभी से उन्हें श्राप भी मिला था कि पूरे दिन में 24 घंटे में 1.5 घंटा जो है एक राहु काल का भी होता है। जी अगर हम पूरे उसमें पंचांग के अंदर हम अगर वो चौघड़िया देखते हैं, तो चौघड़िया के अंदर होता है कि भाई 1.5 घंटा जो है रोज राहु काल का होता है। और ऐसा कहा जाता है कि राहु काल के अंदर आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। या जी नहीं कोई भी, मतलब कि अगर आप रूटीन से कुछ हटके करना चाहते हो तो पहले आप देख लो कि आज के दिन में राहु काल कब है, तो उस दिन जी उसको नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जी लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग जिनका जन्मदिन इन डेट्स में है उनको डरना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। इनके भी सरल सरल उपाय हैं जिनसे हम इन बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। जी इसके बाद आता है कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, जी जिनके भी ये जो डेट्स पे होते हैं डेट ऑफ बर्थ, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हम देखने को भी मिलते हैं कि कभी एकदम से अप हो जाते हैं और कभी एकदम से डाउन हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर राहु की कृपा हो गई तो वो देता है भी छप्पर फाड़ के। ऐसा है, बिल्कुल जैसे शनि की कृपा होती है, जैसे शनि की कृपा होती है कि भाई शनि, लोग मानते हैं कि शनि अशुभ है, लेकिन शनि इतना भी अशुभ नहीं है। अगर वो जी आपने आपके ऊपर, राहु राहु प्रभावित लोगों के उतार चढ़ाव की बात कही तो मुझे ध्यान आया कि हम गृह मंत्री अमित शाह जी की बात लें तो हाँ, उन्हें अपने जीवन में जेल भी जाना पड़ा जेल भी जाना पड़ा, और वो फिर बिल्कुल। वापस देश के गृह मंत्री बने। मतलब 2 साल वो जो जेल निकाला भी था उनका, मतलब कि देश राज्य निकाला, राज देश राज निकाला भी, निकाला राज्य था उनको तो, निकाला, और हाँ, राज्य उसके निकाला भी बाद था उनका 2 साल तक। तो उनके जीवन में भी कितने अप्स एंड डाउन आए। हाँ, कितना अप्स एंड डाउन्स आया उनके। प्रीति जिंटा की लाइफ में तो देख लें तो उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। वो हिट अभिनेत्री थी, फिर उन्होंने क्रिकेट टीम खरीदी और फिर हाँ, अभी वो विलुप्त हैं, फिर शादी हुई, पता नहीं क्या क्या उनके जीवन में होते रहता है। तो अप्स एंड डाउन्स उनके जीवन में बहुत आते हैं, आप सही कह रही हैं बिल्कुल। बहुत आते हैं, कभी एकदम से डाउन हो जाते हैं और कभी एकदम से चढ़ जाते हैं ये लोग। जी तो ऐसा नहीं है कि डाउन ही डाउन है, अब भी आते हैं इनके जीवन में, इसलिए घबराने की बात नहीं है। लोगों की, कई लोग 5 नंबर की जैसे बैलेंस रहती है, तो इनकी लाइफ बैलेंस नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स में रहती है, रोलर कोस्टर की तरह घूमते रहते जी हैं। लेकिन ये लोग, ये भी देखा गया कि ये लोग डिसिप्लिन बहुत होते हैं। चार और सभी नंबर दिन का कार्यशील बिल्कुल होते हैं, बहुत उद्यमी होते हैं। डिसिप्लिन में चलते हैं, हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं, और लॉजिक ढूंढ के कहां क्यों कैसे ये सब मानने के बाद ही वो किसी पे भी ट्रस्ट भी करते हैं, ऐसे ही नहीं कर लेते। तो डिसिप्लिन होते हैं, इनका दिमाग भी बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होते हैं। साथ ही दूसरा ये बताऊंगी कि ये लोगों से हटकर सोचते हैं, सामान्य लोगों से। जी उनकी जो सोचने की शक्ति है, वो जो सामान्य इंसान सोचता है उससे वो थोड़ा हटकर सोचते हैं। फिर जी
ये लोग थोड़ा स्वच्छंद रहना पसंद करते हैं, इनको अच्छा किसी को भी, जैसे है ही दबंग पर्सनालिटी, तो ये किसी को भी ऑर्डर्स को लेना पसंद नहीं करते हैं, ऑर्डर्स देना पसंद करते हैं। तो ऑर्डर देते हैं और यही है कि इनको कोई ऑर्डर दे तो उनको अच्छा भी नहीं लगता, ये खुद अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस ही करना ज्यादातर ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी लाइन में जाएं जहां कोई हमारे ऊपर हावी ना हो, ये हमें कोई रूल ना करे हमारे ऊपर, ये खुद ही रूल करना चाहते जी हैं। और इनका कभी भी ये स्वयं का अपमान सहन नहीं कर सकते, अगर कोई भी इनका अपमान करता है तो वो उसका बदला जरूर लेते हैं, ये भी आप जान ये लीजिए हमने कि अगर कोई, देखा हाँ, कि कोई अगर इनका अपमान करेगा तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पीछे मतलब कि बदला किसी ना किसी तरह से उसका बदला ये जरूर लेंगे उसको। जैसे कई चिदम्बरम जब गृह लोग, मंत्री थे तो उन्होंने अमित शाह को जेल भिजवाया था झूठे आरोपों में, लेकिन जब अमित शाह लौटे तो उन्होंने सच्चे आरोपों में चिदम्बरम को जेल भिजवाया। ये हमने सबने देखा। मतलब कि अमित शाह एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको अब मैंने आपको बता दिया था, अब उनकी सारी बातें आपके सामने आ रही है कि हाँ जी हाँ ये सारे गुण इनके अंदर अवश्य होते हैं। तो जी इनको गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि तो राहु तो है ही, तो राहु गुस्से वाला ही है, तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है। और जब जी ये गुस्सा आता है इनको तो मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे होता है, नॉर्मल नहीं होता है, ऑलवेज जी ये लोग एक्सट्रीम लेवल पे ही इनका गुस्सा होता है, ये आपे से बाहर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि आपे से बाहर होना, तो ये जी लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत गुस्सा करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए ये लोग क्रिस्टल पहने, मैं अच्छा ये इनको आज सलाह दूंगी कि अगर ये लोग क्रिस्टल पहनते हैं तो गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। गुस्सा, क्रिस्टल क्या होता है, ठंडा होता है, तो क्रिस्टल को पहनने से जो वो है अपने बॉडी को वो कंट्रोल करता है और गुस्से को भी कंट्रोल करता है। जी तो 4 नंबर वालों को क्रिस्टल माला के रूप में या ब्रेसलेट के रूप में, किसी भी रूप में वो लोग क्रिस्टल पहन सकते हैं। इसके बाद इनके साथ वही है कि किसी को पंगा लेने नहीं लेना चाहिए, इनके साथ गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको गुस्सा आ गया तो फिर ये लोग कड़वे शब्द भी बोलने से चूकते नहीं है। जी तो इसलिए 4 नंबर जो जिनके भी मित्र हैं या जो भी है, तो वो थोड़ा सोच समझ के ही इनके साथ बातचीत करें और वो करें मुझे एक इनके लिए वाकया ध्यान लोन। आता है कि प्रीति इंटा ने जब मुंबई इंडियंस की टीम खरीदी थी तो उसके खिलाड़ियों ने बाद में बताया कि वो प्रीति इंटा को जब इतना गुस्सा आता था कि वो खिलाड़ियों को मैदान पे मतलब गालियां सुनाने लगती थी वो, शायद ऐसा खिलाड़ियों ने कहा था प्रीति इंटा के बारे देखो, में। अब मैं जो बताती हूँ ना, तो वो ये है ना कि वो नंबर की खुद की पर्सनालिटी है, अब वो तो कोई जी चेंज कर ही नहीं सकता ना। अब इक्वालिटीज हम नंबर से, अब देखिए, ये जो भी लोग हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर वो लोग सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज को, तो उनको हर जी एक नंबर की क्या क्वालिटीज है वो उनको अब पता धीरे धीरे लग रही होगी। और ये खुद भी बिल्कुल देखो, हर घर में हर नंबर के लोग होते हैं, अवश्य कोई ना किसी का 4 को होता है, किसी का 5 को, किसी का 2 को, किसी का 1 को, तो हर अपने, देखो घर में ना सही, तो आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनको देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये, जी इसका नेचर ऐसा होगा, इसका नेचर ऐसा होगा। तो मैं यही दर्शकों से कहूंगी कि आप सभी के नेचर को समझे, अगर कोई गुस्सा आ रहा है तो आप समझो कि हाँ ये उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, तो हम इसको नहीं कुछ कर सकते, तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करना शुरू करें। ऐसा जी नहीं है कि भाई उसको गुस्सा आ रहा है तो मैं भी सामने उसके ऊपर गुस्से से हावी हो जाऊं, ऐसा नहीं होना जी चाहिए। तो अगर किसी की पर्सनालिटी ऐसी है तो आप उनकी पर्सनालिटी को समझो। यहाँ जो भी बताया जाता है उससे क्या, एक एक जो कॉमन नेचर है सबका, उसको हम बताते हैं कि भाई इन नंबर वालों का ऐसा कॉमन नेचर होता है, तो उनको जी आपको समझना है और उसमें से जो अच्छा है उसी को आपको लेना है। अवश्य। और इनके शुभ रंग, शुभ दिन और मित्र नंबर, इनके बारे में कुछ बताएं संगीता जी। हाँ बिल्कुल बताऊंगी। दूसरा, अभी मैं इनको थोड़ा ये भी बताऊंगी कि ये लोग अपने घर में कोई भी टूटा फूटा सामान नहीं इनको रखना चाहिए, जैसे मान लो अच्छा घड़ियां बंद हो गई या कोई भी टूटा फूटा सामान होता है, ये स्टोर में रख देते हैं, तो इसको स्टोर में ना रखे, इसको सीधा बाहर निकाल बाहर करना चाहिए। और वैसे भी देखो, अभी दिवाली आ रही है तो घर की सफाइयां तो होगी ही होगी,
तो जब भी बिल्कुल होगे तो मतलब कि आपके घर में जो भी फालतू का सामान है, आप ये समझ लो कि पिछले 1 साल में आपने जिस चीज को छुआ भी नहीं है, जो हाँ आपके कुछ भी काम का नहीं है, तो उसको आप निकाल के बाहर कर दीजिए। क्योंकि घर बिल्कुल में क्या है, सिर्फ 4 नंबर के लिए ही नहीं, मैं सभी को ये कहूंगी कि घर में कोई ऐसी चीज है जो फालतू की है, आपने 1, 2 या 3 साल से उस चीज को एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया है और वो ऐसे ही पड़ी हुई है एक कोने में, तो उसको आपको निकाल के उसको बाहर कर देना चाहिए। और नहीं तो घर में क्या, बेकार में ही कूड़ा जमा होता है एक तरह से, और जैसे ही वो अनयूज्ड चीज पड़ी होती है ना, तो उससे क्या होता है, घर में नेगेटिविटी आती है। तो जी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि घर की सफाई, एक तो रेगुलर हर 6 महीने, हम क्यों कहते हैं कि होली और दिवाली पे सफाई करनी चाहिए, क्योंकि छह जी महीने में होता है कि भाई घर की अच्छे से सफाई हो जाए, तो इस बहाने घर की जो नेगेटिविटी है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जी बिल्कुल दूसरा, इनको 4, 13, 22 और 31 जो भी मतलब कि 4 नंबर के जो नंबर हैं जिनका मूलांक ये है, उन लोगों को इन तारीखों को टेक्निकल काम करने का अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, हाँ, 4, 13, 22 बाईस और इक्कीस 31 हाँ ये इन 4 मूलांक टेक्निकल वाले जो, काम करने से उन्हें परहेज करना चाहिए। हाँ टेक्निकल काम करने से परहेज करना चाहिए। और अगर आप यात्रा भी अगर इस दिन करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं इन तारीखों को, तो वो भी इनको अवॉइड करना चाहिए, अपने मूलांक वाली डेट को इनको ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, जी क्योंकि ये राहु का नंबर है, इसलिए थोड़ी सी हमें परहेजी अगर आपको पता है और आप इसको फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए ही अच्छा है। जी और इनको मैं एक बीज मंत्र देना चाहूंगी, अगर ये इसकी माला रोज करते हैं, 108 बार एक माला, मतलब 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो जो राहु की जो नेगेटिविटी है उसको हम पॉजिटिविटी में भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो तो माला इसका, किस चीज की होनी चाहिए? क्रिस्टल की माला। हाँ बीज वो तो कोई भी है, क्रिस्टल की हो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी आप रुद्राक्ष की ये माला, कर क्रिस्टल की माला, तुलसी की माला। सकते हैं, कोई भी माला कर, जो भी आप रेगुलर माला अपनी करते हैं आप उसको जी कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ओम राम राहवे नमः, जी ये बीज मंत्र है, मैं फिर से बोल देती हूँ, जी ओम राम राहवे नमः। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं और कंटिन्यूअस 45 डेज तक करते हैं, तो फिर देखिए आप, अच्छा, आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। इनके फ्रेंडली नंबर है 1, 2, 4 एंड 8, जी 1, 2, 4 एंड 8 इनके फ्रेंडली नंबर है, और इनके फ्रेंडली कलर्स हैं ब्लू, बैंगनी, पीला और ऑरेंज, अच्छा नीला, बैंगनी, पीला और ऑरेंज, ये इनके फेवरेबल कलर्स हैं। तो इनको इन कलर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए और इन नंबर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये जी इन नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और जो बीज मंत्र है, खास तो बीज मंत्र है, बीज मंत्र वैसे तो मैंने बोला कि 45 डेज, लेकिन ये अगर हमेशा इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं कि भाई रोज नहा के हमको एक माला कर दे, कितना, 10 मिनट भी नहीं लगता, ये तो छोटा सा मंत्र है, छोटा सा 5 मिनट मंत्र में एक बिल्कुल। माला हो जाती है, 5 मिनट में एक आप 108 बार इसका जाप कर लेंगे, तो बस जी जरूरी नहीं है भगवान के सामने बैठ के करिए, आप कहीं भी बैठ के कर सकते अच्छा हैं। अगर आप, हाँ, ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बस में बैठ के भी आप, अगर माला भी नहीं है तो आप हाथ में 108 बार काउंट कर लीजिए, तो ये बीज मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का जाप, ओम राम राहवे नमः। इस बीज हाँ मंत्र का 108 बार जप करना है किसी भी माला से। ये 4 मूलांक वालों के लिए सलाह आपकी। जी तो बस 4 नंबर के लिए आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नंबर 5 मूलांक के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि संगीता शुक्ला जी हमारे चैनल पे जो प्रेडिक्शंस और जो मूलांक आधारित बातें बता रही हैं, आप उनसे निजी तौर पे एक बहुत मामूली फी के एवज में उनसे निजी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है संगीता जी का, ये है 7678427245। आप इस नंबर पर उन्हें मैसेज करें और एक पर्सनलाइज सजेशन प्राप्त करें उनसे। संगीता जी हमेशा उपलब्ध हैं, आप उन्हें मैसेज करके आप उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं।
और आज हम बात कर रहे थे नंबर 4 मूलांक की, जिसमें संगीता जी ने बताया कि ये बहुत खास होता है, इसमें दबंग व्यक्तित्व के लोग पैदा होते हैं और इसमें इनका शुभ रंग नीला, पीला, बैंगनी और नारंगी होते हैं। और उन्होंने बहुत आज विशेष बात बताई, एक बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, आप इसका जप करें। और हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि संगीता जी के सुझावों का, उनके नुस्खों का फायदा आपको हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।